प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पधारे थे। उनके इस दुनिया में पधारने के 4000 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक मुक्तिदाता पधारेंगे, मनुष्य रूप में एक मुक्तिदाता पधारेंगे जो ईश्वर के विरुद्ध जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों को नाश कर देंगे और मनुष्य के लिए मुक्ति का रास्ता खोल देंगे। उसके बाद हजारों भविष्यवाणियां हुई कि इस तरह से एक मुक्तिदाता इस संसार में पधारेंगे, और जैसी ये भविष्यवाणियां हुई थी उसी के अनुसार आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु मनुष्य रूप में इस संसार में पधारे। और प्रभु जब मनुष्य रूप में इस संसार में पधारे तो उस समय ईश्वर की ओर से ये संदेश कई लोगों को मिला कि इस तरह से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है और इसलिए प्रभु के दर्शन के लिए ये सब लोग वहाँ आए थे। ये इतिहास हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि प्रभु ने जिस परिवार में जन्म लिया था उस परिवार में माँ बाप के साथ रहकर 30 साल तक उन्होंने कई कार्य किए। नंबर वन, उन्होंने अपने फादर का पेशा सीखा। नंबर टू, उन्होंने उस पेशे को सीखकर जिस तरह से हर समर्पित और भक्त व्यक्ति को करना चाहिए, भक्त पुत्र को करना चाहिए, उस तरह 30 साल की उम्र तक उन्होंने अपने माँ बाप की मदद की, पिताजी का पेशा अपनाकर पिताजी की मदद की। लेकिन जब वे 30 साल के हो गए तब प्रभु को यह स्पष्ट हो गया कि अब मेरा सेवा कार्य आ गया है या मेरा सेवा काल आ गया है जब मैं माँ बाप के साथ रहने के बदले अपनी आत्मिक सेवा के लिए निकल पड़ूं। तो 30 साल की उम्र में प्रभु अपने घर बार और माँ बाप को छोड़कर जिस कार्य के लिए वे इस पृथ्वी पर पधारे थे उस कार्य के लिए निकल पड़े। और जाते जाते उन्होंने कई लोगों को देखा, उनसे कहा कि अपना सब काम धंधा छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ, इससे बड़ा कार्य मेरे साथ करोगे। क्योंकि मनुष्य के लिए संसार में रहना, नौकरी करना, पेशा करना जरूरी है, लेकिन थोड़े से ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने चुना है कि वे लोग इन पेशों को छोड़कर ईश्वर के लिए इससे भी बहुत हाई लेवल का उन्नत पेशा, नौकरी, कार्य चुने। और इन सब लोगों ने जो कुछ उनका पेशा था सब छोड़कर प्रभु के साथ हो लिए। इस तरह से प्रभु के साथ साथ रहने के लिए प्रभु ने 12 शिष्य चुन लिए थे, और ये 12 शिष्य लगभग 2400 घंटे प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु की शिक्षा सुनते थे और इस तरह से प्रभु से आत्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, जिससे कि आगे जब उनको प्रभु आज्ञा देंगे तो वो लोग जाकर ये शिक्षाएं दूसरों को दे सके। इस तरह से ये 12 जब प्रभु के साथ आगे बढ़ लिए तो खबर मिली कि एक शादी होने वाली है और उस शादी में प्रभु और उनके शिष्यों को भी नेवता है। ये घटना मैंने पिछले हफ्ते सुनाई थी। वहां पहली बार प्रभु ने एक दिव्य कर्म किया। जब उस विवाह में वो लोग जिस तरह का अंगूरी शरबत उस समाज में परोसते थे वो खत्म हो गया, तो प्रभु ने लगभग 400 या 500 लीटर पानी को मनुष्य ने आज तक जो टेस्ट किया है उसमें सर्वोत्तम अंगूरी शरबत में बदल दिया। तब इस घटना को जिन्होंने देखा था, खासकर उनके शिष्य, वे इस बात को समझ गए कि ये तो मनुष्य के रूप में सृष्टिकर्ता स्वयं हमारे बीच आ गए हैं। उनका विश्वास और बढ़ गया। जब उनका विश्वास और बढ़ गया तो प्रभु ने कहा, आओ हमको और भी बहुत सारे कार्य करने हैं और इसलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे की इस घटना को मैं
प्रभु के चार अनुयायियों ने प्रभु की चार जीवनियां लिखी थी, उसमें से चौथी जीवनी से पढ़कर सुना रहा हूं। इस चौथी जीवनी को जिस व्यक्ति ने लिखा उसका नाम यूहन्ना है, और इसलिए इस पुस्तक को उस लेखक के नाम से यूहन्ना का पुस्तक कहा जाता है। इसके दूसरे अध्याय के 13वें पद से हम आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप सुनते जाएं तो अपना काम हो जाएगा। यहूदी लोगों को का फसह नाम का त्योहार निकट था। प्रभु यीशु ने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया था। ये लोग बड़े भक्त लोग हुआ करते थे और साल भर कोई ना कोई त्योहार हुआ करता था, और अब उनका एक बहुत ही बड़ा त्योहार आ रहा था। और इस त्योहार की विशेषता ये थी कि इस त्योहार के समय लगभग सारे यहूदी लोग मंदिर जाकर प्रभु के सामने प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु की आराधना करते थे। तो प्रभु यीशु भी चल दिए अपने शिष्यों के साथ मंदिर। क्या हुआ, प्रभु ने मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे पाया। क्या मतलब है, एक वाक्य में लेखक ने जो लिख दिया है वो इस घटना के 2000 साल के बाद हम जब सुनते हैं तब एकदम से समझ में नहीं आता है, तो मैं जरा उसको एक्सप्लेन कर दूं। यहूदियों का बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में वो लोग साल में कई बार जाकर विशेष रूप से भेंट और बलिदान वगैरह चढ़ाया करते थे। लेकिन धीरे 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 शुरू शुरू में क्या था, जो भी व्यक्ति आता था वो अपनी मर्जी से कुछ भी लाकर, अन्न चाहे तो अन्न, जानवर चाहे तो जानवर, पक्षी चाहे तो पक्षी, लाकर वहां मंदिर में भेंट चढ़ा सकता था। लेकिन धीरे 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 उस मंदिर के कार्यकर्ता लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जनता के लिए मंदिर में आकर ईश्वर की आराधना करना जरूरी है, और इसलिए अपन इस जनता को निचोड़कर खूब पैसा बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिया कि बाहर से आप अपने जानवर, पक्षी या भेंट के लिए अन्न वगैरह लाकर यहाँ मंदिर में नहीं चढ़ा सकते, आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं से खरीदना पड़ेगा, वहाँ जो जानवर और पक्षी और अन्य बेचे जाते थे उनकी कीमत नॉर्मल से बहुत अधिक कर दी। जनता मजबूर थी, भाई मंदिर जाना हो, भेंट चढ़ाना हो, बलि देना हो तो वहाँ से खरीदना पड़ेगा। तो यदि बैल या बैल या बकरी या गधा, कई प्रकार के जानवर थे जो वो खरीद कर मंदिर को भेंट कर दिया करते थे, या उसके अलावा किसी तरह का पक्षी या अन्न वगैरह खरीद कर यदि मंदिर को भेंट करना है वहां आते थे, तो जो जानवर किसी और जगह 10,000 का मिल रहा है वो यहां 20,000 में बेचते थे। पहली लूट। अच्छा, पहली लूट के अलावा एक और लूट होती थी, आप जो पैसा अपने साथ लाए हैं वो मंदिर में स्वीकार नहीं हो गए, इन जानवरों को यहां से अन्न वगैरह आप नहीं खरीद सकते, मंदिर को भेंट चढ़ाने के लिए आप इसमें से कोई चीज नहीं खरीद सकते, उसके लिए मंदिर का पैसा खरीदना होगा, मंदिर के पैसे से खरीदना होगा। तो इसलिए सर्राफ लोग, आप जानते हैं सर्राफ लोग पैसा एक्सचेंज करते हैं, सोना चांदी एक्सचेंज करते हैं, तो वो लोग जो नॉर्मल पैसा लाते थे वो नॉर्मल पैसा लाके पहले इन सर्राफों को देना पड़ता था, और ये लोग 10-20% वहां कमीशन ले लेते थे। ये पहली लूट, मतलब आदमी दूर देश से उन दिनों पैदल या गधे या घोड़े के ऊपर या ऊंट के ऊपर वहां आया, और आने के बाद पहली लूट ये कि आप जो पैसा लाए हैं जो सारे देश में चलता है वो पैसा मंदिर में नहीं लिया जा रहा, इसलिए 10-20% कमीशन पे पहले पैसे को मंदिर के पैसे में बदलवाओ। तो 10-20% की चोट तो यहीं लग गई। उसके बाद उस पैसे से जानवर खरीदो या अन्न खरीदो या मंदिर को भेंट करने के लिए कुछ और खरीदो, तो
नॉर्मल बाजार में उस जानवर की या अन्य की या पक्षी की या अन्य चीजों की जो कीमत है उससे डेढ़ गुना या दो गुना कीमत में खरीदो तो ये दूसरी चोट या दूसरी लूट। और बाद में जब आप सब कुछ करने के बाद पुरोहित वगैरह को भी जो पैसा वगैरह भेंट करना है वो भेंट करने के बाद जब आप वापस जाएं तब आपके पास यदि मंदिर के पैसे बच गए तो मंदिर के बाहर कोई उसको लेता नहीं है, इसलिए फिर सर्राफ के पास जाओ और बदलो बदलो तो इस बार फिर से वो 10% या 20% कमीशन लें। तो इस तरह से जो जाता था वहां जम के लूट होती थी। प्रभु ने देखा कि यहां मंदिर में खुल के लूट हो रही है, पैसे के मामले में लूट, मंदिर को भेंट चढ़ाने के लिए आप जो कुछ खरीद रहे हैं उसमें लूट, हर तरह से लूट ही लूट। और बाद में आप यहां से छोड़ के जा रहे हैं तो आपके पास जो पैसा बचा है उसको कन्वर्ट करने में भी लूट। प्रभु बहुत ही ज्यादा कोपित हो गए। वहां लिखा है तब प्रभु ने रस्सियों का कोड़ा बनाया, हंटर बनाया। प्रभु बचपन से लकड़ी का काम करते आए थे, आरे से पेड़ चीरना, लकड़ी चीरना और पुराने जमाने के वो जो भारी भरकम फर्नीचर, बैलगाड़ी, पहिए सब बनाना, तो शारीरिक रूप से हट्टे कट्टे और स्वस्थ थे। प्रभु को कोप आया, सी इस विश्व के सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के लिए रास्ता बिल्कुल खुला रखा है और उस प्रभु चाहते हैं कि हर व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के प्रभु के पास सीधे जाए। और यहाँ मंदिर जो उस पर्पस के लिए बना था वहां उसके जितने पुजारी या उसको कंट्रोल करने वाले थे उन लोगों ने तो उसको लूट का ही रास्ता बना लिया। तो प्रभु ने सबसे पहले तो रस्सा लेके एक बढ़िया सा हंटर बनाया, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और उसके बाद प्रभु ने क्या किया कि एक हंटर बनाकर या कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। क्यों? इसलिए कि वो मंदिर इन जानवरों के नाम पर वहां लूट मचा रहा था। उसके इतने ही नहीं, प्रभु इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, प्रभु ने सर्राफों के पैसे बिखेर दिए। खूब पैसा लेके बैठे थे, सब उठा के फेंक दिया और उनके टेबल या उनकी पीढ़ों को उलट दिया। इससे दो बात हम समझ सकते हैं, पहली बात तो ये कि प्रभु बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन दूसरी बात हमको ये समझनी चाहिए कि संसार के सृष्टा जब मनुष्य रूप में इस संसार में पधारे तो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं थी, वरना मंदिर में ये लोग जो लूट मचाए हुए थे ये तो वहाँ के पहुँचे हुए बदमाश लोग थे, ये आराम से प्रभु को पकड़ के मारपीट कर सकते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक उनके मन में ये मालूम था कि हम प्रभु के भवन में वो कार्य कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब सृष्टा सामने कोड़ा लेकर आ गए मनुष्य के रूप में थे तो भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर प्रभु ने आगे कुछ और कहा, इनको यहां से ले जाओ मेरे पिता के घर को, व्यापार का घर मत बनाओ। मतलब मेरे पिता ने जब सब लोगों को अपने पास आने को कहा तो तुम रोक रहे हो, तुम धंधा कर रहे हो, तुम ईश्वर के पास लोगों का आना जाना वो मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक स्नेह संबंध हो, सृष्टा और सृष्टा ने जिसकी सृष्टि की है उनके बीच में आपसी स्नेह के बदले तुम तो इसको धंधे के लिए यूज कर रहे हो। प्रभु ने कहा मेरे पिता को धंधा करने की जगह मत बनाओ। ये देखकर प्रभु के शिष्यों को एक बार और एक बात याद आई, प्रभु के वचन में बार बार लिखा हुआ है कि प्रभु धर्म का धंधा नहीं करते हैं, प्रभु पैसा लेकर मनुष्य को अपने पास आने की इजाजत नहीं देते हैं। प्रभु की सृष्टि जिस व्यक्ति को भी प्रभु ने बनाया है उसमें से कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे अपने पिता के पास बिना किसी के परमिशन के जा सकता है। एक बात बताइए, किसी बच्चे को, बेटे या बेटी को अपने माँ बाप के पास जाकर
उनसे बातचीत करने के लिए किसी बिचवइये की जरूरत होती है क्या? किसी बिचौलिए की जरूरत होती है कि नहीं होती है? मैं एक बहुत ही कठोर पिता का बेटा हूं। मेरे फादर बहुत ही कठोर व्यक्ति थे और हम कोई गलती करते थे तो बाकायदा बेल्ट उतार कर उस बेल्ट से हमारी पिटाई करते थे। लेकिन ऐसे कठोर व्यक्ति के पास भी जाने के लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो फादर बैठ के बहुत ही गंभीर कार्य कर रहे हों तो पास जाके दो मिनट खड़े हो जाएं, जिससे कि वो आपकी तरफ मुड़ के देखें और आप पूछें कि पापा मुझे एक बात करनी है, मुझे 5 मिनट आप दे सकते हैं क्या? लेकिन ये किसी और की अनुमति नहीं है। जिस पिता से हमें बात करनी है वो व्यस्त हैं, इसलिए हम उनसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या। लेकिन ज़्यादातर टाइम फादर व्यस्त नहीं होते हैं और हम सीधे जाकर फादर से बात करते हैं। मैं भी सीधे जाके फादर से बात करता था, डर लगता था लेकिन बात करता था। मेरे बच्चे भी इसी तरह से डायरेक्टली बिना किसी बिचौलिए के मेरे पास डायरेक्टली आके बात करते थे। मैं तो अपने फादर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। फादर तो बेल्ट उतार के हमारी मरम्मत करते थे, मैंने तो बाकायदा ये बिजली के तार का हंटर बना के वहाँ कीलों पे टांग रखा था कि देखो बेटे, यदि सीमा को क्रॉस करोगे, सीमा का लंघन करोगे तो तुम्हारे आसन पर इससे तुम्हारी पूजा की जाएगी। और वो उसको जब भी देखते थे तो उनको याद आता था कि देखो गलत काम मत करो। लेकिन इतनी कड़ी सजा व्यवस्था मेरे परिवार में होते हुए भी बच्चों को ना तो किसी पड़ोसी की, ना पुलिस वाले की, ना वकील की, ना अपने माँ की परमिशन की जरूरत थी मुझसे मिलने के लिए। कभी भी किसी भी समय, चाहे मैं कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों न कर रहा हूँ, बच्चों को इस बात के लिए मैंने परमिशन दे रखा था कि वो मेरे पास आ सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा समय था जब मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूँ तो बीच में टोकने को मना कर रखा था, जिससे कि हमारी बातचीत टूट ना जाए। लेकिन मैं घर पर कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों को इस बात की परमिशन हमेशा रही कि वो मेरे पास आ सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे पिताजी का था, इनको भी मैंने बोल रखा था कि आके 2 मिनट मेरे पास खड़े हो जाना, जिससे मैं जो काम कर रहा हूँ उसको ख़त्म करके फिर तुम्हारी तरफ मुड़ूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसको भूल जाऊँ। वो बात अलग है, लेकिन उनको किसी व्यक्ति के परमिशन की जरूरत नहीं थी, किसी को घूस देने की जरूरत नहीं थी, किसी धंधेबाज को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय प्रभु की उपस्थिति में जा सकता है, और प्रभु की उपस्थिति में है ये महसूस करने के लिए प्रभु ने उस मंदिर के निर्माण की आज्ञा दी थी या निर्माण की अनुमति दी थी। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ईश्वर सर्वव्यापी हैं। इस सारे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर उपस्थित ना हो, लेकिन मनुष्य की आदत है, वो चाहता है कि कोई ऐसी विशेष जगह हो जहाँ पर वो जाए तो उसको ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो, जहाँ उसके मन में भक्ति और भय ये चीज़ें जन्म ले, जिससे उस जगह पर खड़े होकर उसको लगे कि हाँ, यहाँ ईश्वर की विशेष उपस्थिति है और मैं ईश्वर के सान्निध्य में हूँ। इस कारण प्रभु ने, जो सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी होने के बावजूद मंदिर बनाने के लिए अनुमति दी, जिससे कि वहाँ एक विशेष प्रकार का माहौल हो, वहाँ कुछ विशेष याजक पुजारी लोग हों, और जिससे कि ये लोग प्रार्थना के लिए प्रभु को भेंट करने के लिए आए तो उनको भी लगे कि मैं किसी विशेष जगह ईश्वर के पास आया हूँ। लेकिन उस विशेष जगह प्रभु ने किसी बिचौलिए को नहीं रखा था, किसी धंधेबाज को नहीं रखा था, उसके अनुमति की जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने क्या किया, धीरे 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 ऐसा मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया कि आते में पैसे की लूट, मंदिर के लिए आप जानवर खरीदते हैं मंदिर को भेंट करने के लिए, अन्न खरीदते हैं या और कुछ खरीदते हैं मंदिर को भेंट करने के लिए तो वहाँ पे लूट, और उसके बाद वापस आप वहाँ के जो आराधना वगैरह करने वाले जो पुजारी लोग हैं उनको
कुछ दान धर्म आप करते हैं तो उसमें लूट, और बाद में जब आप वापस जाते हैं वहां से तो आपके पास मंदिर के पैसे यदि बचे हुए हों, हर कोई जरूरत से कुछ ज्यादा ही ले लेता है, बचे हुए हों तो वापस जाते समय उसको कन्वर्ट करने में, नॉर्मल पैसे कन्वर्ट करने उसमें लूट। इसलिए प्रभु इतने क्रोधित हुए थे, और क्रोधित होकर प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के भवन को जो कि हरेक के लिए खुला हुआ है, जिसमें हरेक का स्वागत है, जहां आने के लिए किसी भी मनुष्य की अनुमति या मनुष्य के परमिशन की जरूरत नहीं है, और जहां आकर मेरी आराधना करने के लिए किसी बिचौलिए को पैसा देने की जरूरत नहीं, उसको तुमने पैसा बनाने के लिए, धंधा बनाने के लिए डाकुओं की मांद बना रखा है। ये प्रभु का घर है, यह डकैतों की जगह नहीं है। इसलिए प्रभु ने इन सब को मार मार के बाहर निकाल दिया था। ये घटना प्रभु यीशु के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। इस कारण उस मंदिर के जो पंडे पुजारी लोग थे वो प्रभु से बहुत नाराज भी हो गए, और जीवन भर प्रभु से उनकी दुश्मनी रही। लेकिन प्रभु ने उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जगत के सृष्टा जब देखते हैं कि प्रभु के पास आने का रास्ता लोग रोक रहे हैं और वहां पर भी लूट हो रही है, तो प्रभु उसको सहन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से प्रभु ने मंदिर को, जो लोग वहां धंधा कर रहे थे, उन लोगों से पूरी तरह से मुक्त किया, और प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन दूंगा। ये घटना जो पवित्र बाइबल से प्रभु यीशु के जीवन से हमने देखी है, इसमें हम कई बातें छुपी हुई देखते हैं जो हम में से हर एक को समझ लेनी चाहिए। पहली बात, यदि धर्म या धर्म के आगुए या मंदिर ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए हमसे पैसा लेते हैं तो वो सही धर्म नहीं है। यदि प्रभु यीशु के किसी गिरजाघर में आप जाते हैं और वहां यदि वो कहते हैं कि पहले यहां दान पेटी में पैसा डालो उसके बाद अंदर घुसो, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा सुझाव है कि उस चर्च के अंदर जाने से पहले वहां से उल्टे पैर आप लौट जाएं, क्योंकि प्रभु कभी भी अपने भवन में, अपने मंदिर में आने के लिए किसी व्यक्ति से किसी भी चीज़ की मांग नहीं करते। वो सिर्फ इतना मांगते हैं, इतना चाहते हैं कि आप भय भक्ति और ईश्वर के प्रति स्नेह या प्रेम के साथ उस जगह पर पहुंचे, उसके अलावा ईश्वर कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि धर्म ईश्वर के पास पहुंचने के लिए आपसे पैसे की मांग करता है, इस बात को गारंटी मानिए कि वो ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता नहीं है। यदि आप घर पहुंचते हैं और उस दिन चौकीदार बाहर खड़े होकर कहता है किससे मिलना है, फादर से, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, ठीक है, 100 का एक नोट यहाँ धरो और उसके बाद अंदर जाके मुलाकात करो, तो गारंटी मानिए कि वो आपका घर नहीं है। यही हमारे आत्मिक जीवन की बात है। यदि ईश्वर के पास पहुंचने या पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो वो ईश्वर के पास पहुंचने का सही रास्ता नहीं है। दूसरी बात, इसी का एक दूसरा पहलू है, यदि आपको लगता है कि मैं कुछ दान धर्म करके या कुछ पैसा देके ईश्वर के पास पहुंच जाऊंगा या मैं अपने जीवन में मुक्ति पा लूंगा, तो ईश्वर के बारे में आपकी सोच गलत है। आप लोगों ने नोट किया होगा, सभी लोग इस शहर में काम करते हैं, इस कारण प्राइवेट बसों से आप यात्रा करते हैं। सुबह से शाम ये प्राइवेट बसें शहर में चलती हैं। इसमें जो कंडक्टर होता है, जो क्लीनर होता है, जनता से खूब गाली गलौच, धक्का मुक्की सब कुछ करता है ना। खासकर जब भीड़ का टाइम होता है तो पता नहीं वो लोग क्या क्या अपनी भाषा में बोलते हैं, आपने सुना होगा। उसके बाद शाम के समय किसी मंदिर के या किसी गिरजाघर के पास, दान पेटी के पास पहुंचते हैं, गाड़ी रुक के उसमें 1 रुपए का
सिक्का डाल देते हैं, असली डाला तो ठीक है, खोटा डाला तो भी कई लोग ऐसा भी करते हैं। मतलब दिन भर में जो 10,000 रुपए कमाए और लोगों को जो गाली गलौच दी, जो धक्का मुक्की की, जो मारपीट की, उस सब का प्रायश्चित ईश्वर को फूटी कौड़ी देके हम मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। यदि आपका धर्म ऐसा है जो पैसा देके मुक्ति पाने की कोशिश पा रहा है, कर रहा है, तो वो भी ईश्वर का बनाया हुआ धर्म नहीं है। ना तो ईश्वर आपसे पैसा मांगते हैं, ना ही आप ईश्वर को पैसा देके मुक्ति पा सकते हैं। प्रभु ने इस घटना में ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि जहाँ पैसा ले, जहाँ लूट मचाया जा रहा है, वो ईश्वर का भवन नहीं है, और जहाँ ईश्वर का भवन है वहाँ लूट नहीं मचती है। ईश्वर तो उदारता से सबको दान देते हैं। तो दुनिया का कोई भी धर्म क्यों ना हो, इवन प्रभु यीशु के अनुयायी यदि आपसे कहें कि इस चर्च में इतना दान दे दीजिए और आपकी आपको जो है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यदि आपको लगता है कि मैंने बड़ी गलती की और अब जाके चर्च में 100 रुपये का नोट डाल दूंगा, प्रभु मुझे छुटकारा दे देंगे, नहीं। हम यदि प्रभु को कुछ देते हैं तो वह मोल भाव नहीं होना चाहिए। प्रभु को देते हैं तो अपनी इच्छा से। जब मेरा बेटा मुझे कोई चीज़ ला के देता है तो उसमें कोई मोल भाव नहीं है। मेरे दोनों बेटे अक्सर मुझे, बेटे बेटियाँ, बेटा और बेटी अक्सर मुझे कुछ ना कुछ ला के देते हैं। मुझे पेन बहुत पसंद है, कभी पेन ला के देते हैं। किताबें बहुत पसंद है, कभी किताबें ला के देते हैं। परफ्यूम्स पसंद है, कई बार परफ्यूम्स ला के देते हैं। लेकिन वहाँ कोई मोल भाव नहीं होता है, धंधा नहीं होता है। वो दोनों बच्चे ये चीज़ मेरे लिए इसलिए लाते हैं कि मैं उनका पिता हूँ, मैं उनसे स्नेह करता हूँ, और वो लोग मुझसे उतना ही स्नेह करते हैं। तो इसलिए हमको प्रभु ने जो कुछ दिया है उसमें से एक हिस्सा प्रभु को देना जरूरी है, लेकिन मोल भाव के लिए नहीं, प्रभु के प्रति अपना जो आभार है उसको प्रकट करने के लिए देना चाहिए। सो दो पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला ये कि यदि आप किसी गिरजे में जाते हैं या किसी भी आराधनालय में जाते हैं, ईश्वर से मुलाकात करवाने के लिए यदि वहाँ लूट मची हो, तो वहाँ यकीन मानिए कि वहाँ ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। दूसरी बात, यदि आपको अपने जीवन में कुछ काम करना हो और उसके लिए आप ईश्वर को घूस देना चाहते हो, याद रखिए ईश्वर किसी से घूस नहीं लेते। अरे जिसने इस पूरे विश्व की रचना की है उसके लिए 100 रुपये क्या है, 1,000 रुपये क्या है, 1,00,000,000 रुपये क्या है। एक हीरा आप लाके उसके सामने रख दें जिसकी कीमत 10,00,000,000 रुपये हो, जिस व्यक्ति ने इस तरह के करोड़ों 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 हीरों की सृष्टि की है, उसके सामने आप वापस एक हीरा ले जाकर रख रहे हैं जिसकी सृष्टि उसी प्रभु ने की है, उस प्रभु के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए घूस मांगने वाले धर्म को ना माने, घूस देकर प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रभु जिस तरह से एक स्नेह करने वाले पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, ऐसे ही मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। इसी पुस्तक के 3rd अध्याय को हम कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद देखेंगे। वहाँ उसके 16वें श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, और वो श्लोक इस तरह से है, ईश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, इतना स्नेह किया कि वे नहीं चाहते कि इस संसार में एक भी मनुष्य नाश हो। ईश्वर की इच्छा है कि इस संसार का हर मनुष्य, हर व्यक्ति नया जीवन पाए, नव जीवन पाए, ईश्वर के साथ सदा सर्वदा रहे। और इस कारण उन्होंने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम उस नए जीवन को पा सकें। तो तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि ईश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए जो रास्ता खोला है, उस रास्ते में
ना तो वहां आप घूस दे सकते हैं, ना वहां घूस की मांग होती है, बल्कि प्रभु वो मुक्ति, वो नया जीवन, वो उद्धार हमको जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को कोई ना कोई चीज खरीद कर देता है, उस तरह से संसार के सृष्टा ये मुक्ति आपको एक वरदान के रूप में देते हैं। मैंने बताया था कि मेरे बच्चे मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि मुझे और आपको अपने सृष्टा के साथ सामने जब जाते हैं तब कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसका दूसरा पहलू यह है कि सृष्टा भी हमको बहुत कुछ देते हैं, मुक्ति से प्रारंभ करके और बहुत कुछ देते हैं। उसका वही पहलू मैं अपने जीवन से बताना चाहता हूँ। जब भी मेरे बच्चे आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी उनको कुछ ना कुछ दूँ। मेरे बेटे को किताबों से बहुत स्नेह है। कई बार मेरी लाइब्रेरी से कोई किताब उसको पसंद आ जाती है तो चाहे कितनी भी कीमती किताब क्यों ना हो, मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, तुमको पसंद आ गई, ले जाओ। बेटी को किताबें बहुत पसंद है, मुझे मालूम है किस तरह की किताबें पसंद हैं, मैं खरीद के रखता हूँ जिससे कि मैं उसको दे सकूँ। लेकिन वहाँ मोलभाव थोड़ी होता है। मैं बेटे से ये थोड़ी कहता हूँ कि देखो, मैंने सोचा कि किताब की कीमत होगी 400 रुपये, लेकिन मेरे तो 1000 रुपये ठुक गए, और इसलिए वो एक्स्ट्रा 600 रुपये तुम मुझे दो। कोई बाप करता है कि इस तरह से अपने बेटे से, या कोई बाप अपनी बेटी से इस तरह से मोलभाव करता है कि नहीं? बल्कि माँ बाप अपने बेटे या बेटी को जो सर्वोत्तम दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। तो जब बाप और बेटे का या बाप और बेटी का रिश्ता होता है तो बच्चे अपने पिता को या अपनी माँ को जो भी सर्वोत्तम वो दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। वहाँ कोई मोलभाव नहीं होता है, वहाँ कोई धंधा नहीं होता है, वहाँ कोई बिजनेस नहीं होता है। उसी तरह से माँ बाप जब अपने बच्चों को देते हैं तो जो उनसे उनकी औकात के अनुसार जो सर्वोत्तम है माँ बाप अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, वहाँ कोई मोलभाव नहीं होता है। एक दूसरे को देना ये आपसी स्नेह को दिखाता है। मनुष्य का स्नेह ईश्वर के प्रति हम कैसे दिखाएंगे? ईश्वर को भेंट देने के द्वारा। ईश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को कैसे दिखाते हैं? कई तरीके से दिखाते हैं। नंबर वन, अभी मैंने 3:16 के बारे में बताया था, प्रभु को इस संसार में, प्रभु यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि मुझे और आपको, हम जिस चीज के लिए हर दिन प्रभु की ओर देखते हैं, वो है एक नया जीवन, एक छुटकारा, एक मुक्ति, इस बात की गारंटी कि इस संसार को छोड़ जाने के बाद हम प्रभु के साथ रहेंगे। वो मुक्ति या उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर एक भेंट के रूप में देते हैं, वहाँ कोई मोलभाव नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा सिर्फ मुक्ति नहीं, मुक्ति के बाद और भी बहुत सारी बातें मिलती हैं। मैंने प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए इस नए जीवन का अनुभव आज से 50 साल से भी पहले किया। उसके बाद के इन 50 सालों में प्रभु से मुझे और भी बहुत सारी बातें मिली। जीवन में कोई भी जरूरत होती है मैं प्रभु के पास ले जाता हूँ, प्रभु से विनती करता हूँ, प्रभु से याचना करता हूँ। प्रभु कभी कभी तो तुरंत दे देते हैं, कभी कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, कभी कभी प्रभु कहते हैं कि बेटा तुमको लगता है कि इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ी और देर रुक जाओ। बच्चे माँ बाप से जो कुछ मांगते हैं लगभग सब कुछ माँ बाप देते हैं, लेकिन 100% शत प्रतिशत देते हैं क्या? नहीं। कभी कभी कुछ उन बच्चों की मांग ऐसी होती है जो माँ बाप मना भी कर देते हैं। मेरा बेटा जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तब उसने मुझसे दो बातों के लिए अनुरोध किया, डैडी मुझे एक मोटर बाइक चाहिए, दूसरा रिक्वेस्ट, डैडी मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। तुरंत मैंने कहा कि देखो बेटा, नो मोटर बाइक। जब तक तुम वहाँ से पढ़ के बाहर नहीं निकलते तब तक वाहन तुमको नहीं मिलेगा, कंप्यूटर मैं तुमको तुरंत दिलवा दूंगा। एक पिता अपने बेटे या बेटी के बारे में बहुत अधिक सोच समझ कर सब कुछ करता है। इसके 2 साल बाद
मेरे दोस्त के, मेरे बेटे के एक दोस्त की मृत्यु हो गई। वो लोग मोटर बाइक से जा रहे थे, थोड़ी सी लापरवाही के कारण जाते जाते में किसी भारी भरकम जानवर से टकरा गए। पीछे जो बैठा हुआ था वो बुरी तरह से गिर पड़ा, उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और ये लोग मेडिकल स्टूडेंट्स होते हुए भी उसको बचा नहीं सके। उस रात मुझे अभी भी याद है मेरे बेटे को कैसा दुख हुआ था। उसके बाद मैंने उसको याद दिलाया, देखो बेटा इसी कारण मैंने तुमको मना कर दिया था। तो ईश्वर से जब हम याचना करते हैं तो वहाँ कोई मोल भाव नहीं है। अक्सर अधिकतर चीज़ें प्रभु हमको तुरंत दे देते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में प्रभु कहते हैं थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ चीज़ों के बारे में प्रभु कहते हैं अभी रुको, कुछ चीज़ों के बारे में प्रभु कह देते हैं नहीं बेटा तुमको उसकी ज़रूरत नहीं। तुमको लगता है कि ज़रूरत है लेकिन तुमको उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 50 से अधिक हो गए इस नए जीवन को पाने के बाद हर दिन प्रभु की उपस्थिति में जाकर मेरे जीवन में प्रभु ने जो कुछ किया है उसके लिए अपना आभार मानता हूँ। उसके साथ साथ एक काम और करता हूँ, उस दिन मेरे मन में जो कुछ है प्रभु से मैं याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रभु अपने समय के अनुसार उसको देते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने जो कार्य किया उसके द्वारा हमने 3 महत्वपूर्ण बातें देखी। नंबर 1, यदि धर्म आपसे प्रभु के पास पहुंचने के लिए पैसे की मांग करता है तो वो प्रभु का बनाया हुआ धर्म नहीं है। नंबर 2, यदि आप पैसा देकर प्रभु के साथ मोल भाव करने की कोशिश करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। एक पिता के साथ बेटा या बेटी मोल भाव नहीं करते हैं। पिता अपने बच्चों को जो कुछ देते हैं वो मोल भाव करके नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार देते हैं। और जो सर्वेश्वर है, जिन्होंने सारे विश्व की रचना की है, उनके साथ तो मोल भाव का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरी बात, प्रभु ने मुझे और आपको जो सबसे महान, सबसे बड़ा गिफ्ट, उपहार या तोहफा दिया है वो है नया जीवन। प्रभु के द्वारा हम एक नया जीवन पा सकते हैं और उस जीवन को पाने के बाद हमें इस बात का निश्चय हो जाएगा कि जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ जाएंगे उस दिन हम प्रभु के, स्वयं प्रभु की उपस्थिति में सदा सर्वदा के लिए पहुंच जाएंगे। मुझे इस बात का निश्चय है। यहाँ कई भाई लोग हैं जिनको, बहनें हैं जिनको इस बात का निश्चय है। यदि ये बातें आपको क्लियरली समझ में नहीं आई तो हमसे बात कीजिए, हम आपको समझाएंगे। कोई भी नई बात समझने में टाइम तो लगता है, खासकर वो बीच में चश्मा लगाए हुए भाई बर्नबास जो बैठे हुए हैं ग्रे शर्ट में, और ये भाई जेफरी जो कि धारीदार शर्ट में बैठे हैं। ये दोनों तो बस, इन्होंने तो अपना सारा टाइम दूसरों को ये बातें समझाने के लिए दे रखा है। इस सभा के बाद इन लोगों से बातचीत जरूर कर लीजिए। आप कहेंगे कि आपसे नहीं बात कर सकते क्या? मुझसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक आध घंटे इस तरह से बोलने के बाद एक आधा घंटा कई बार ब्रेक की जरूरत पड़ती है, गला सूख जाता है, बोलती नहीं निकलती है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आपके सामने बड़े उत्साह के साथ खड़ा जरूर हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक उम्र के बाद थकावट तो हो ही जाती है। हाँ, वो थकावट दूर हो जाए तो मैं भी इन बातों को समझाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लें। जिन लोगों ने इस नए जीवन को पा लिया है उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमको प्रभु से कुछ मिलना होता है तो हम प्रभु के साथ मोल भाव की कोशिश करते हैं। कई बार मैंने लोगों को मोल भाव करते हुए सुना है, मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे फलानी चीज दे दें और यदि मुझे फलानी जगह एयरपोर्ट में नौकरी मिल जाए तो पहले महीने की पूरी तनख्वाह लेकर मैं प्रभु को भेंट कर दूंगा। अरे प्रभु को आपके नोट की क्या जरूरत है? प्रभु ने इस पूरे विश्व की रचना की है और उस प्रभु के लिए नोट क्या है, और वैसे भी नोट की क्या कीमत है?
आप कहेंगे सोना चांदी दे देंगे, सोना चांदी जिसने बनाए उसके लिए सोने के एक टुकड़े की क्या कीमत है, ठीक है। इसी तरह से जिन्होंने इस नए जीवन को पा लिया है उन लोगों से मेरी याचना है, मेरा अनुरोध है कि अपने जीवन को जिस तरह से प्रभु ने नियमित किया है, प्रभु ने कैसे नियमित किया है, प्रभु से हर चीज़ आप गिफ्ट के रूप में लीजिए और आपके जीवन में प्रभु के प्रति अपना आभार प्रभु को जो भेंट करेंगे मोल भाव के द्वारा नहीं गिफ्ट के रूप में। इस तरह से हम अपने जीवन को अपने 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 सोचने समझने के तरीके को नियंत्रित करें और इस तरह से हम जिएं, प्रभु से हर चीज अनुग्रह के रूप में पाएं मोल भाव के रूप में नहीं, और अपने जीवन में जो आभार है उसको प्रभु के साथ बिना मोल भाव के प्रदर्शित करें। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें।